हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्मार्ट डॉग्स ट्रेनिंग। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे मैं नई नई वीडियोस लेके आता हूँ जिसमें कि आपको होती है नई नई ट्रिक सिखाने के लिए। अपने डॉग को सिखा सकते हो बिना कोई ट्रेनर लगाए, घर पर ही सिखा सकते हो ईजिली। तो आज की वीडियो में बहुत कुछ है, आज की वीडियो ऐसी अगर आप इस वीडियो को भी फॉलो करेंगे तो जनरल चीज़ें जो हैं जल्दी जल्दी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कमांड इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। 7-8 कमांड जो हैं कि जो आपको ज़रूरत पड़ती है उनको आप अगर ट्रेनिंग ना भी दे रहे हैं तो घर पे सिखा सकते हो, ठीक है। तो जनरली वैसे तो हर कमांड के लिए अलग वीडियो बनाता हूँ, उसमें थोड़ा डिटेल्स में बता देते हैं हर एक कमांड को, इसमें क्या शॉर्ट में बताऊँगा। तो एंड तक वीडियो को देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि छोटी छोटी चीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा काम की होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पर्सनली अगर हमसे जुड़ के सिखाना चाहते हो तो हमें जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उन पे व्हाट्सएप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ हम लोग पर्सनली भी सिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉग का नाम बगीरा, ये लैब्राडोर है, करीब 6 महीने का है ये। बगीरा कम हियर फास्ट। अब इसको बुलाना है डॉग को, अगर जैसे दौड़ के आ रहा है, आप भी चाह रहे हो कि आपका डॉग इस तरीके से आए आपके पास, सबसे पहली कमांड होती है कम हियर। उसको सिखाने के लिए आप बेसिक कमांड है ये, ठीक है। इसको सिखाने के लिए आप क्या करेंगे कि कम हियर बगीरा, बगीरा कम, ठीक है। अगर डॉग को बुलाना है सिट, जैसे सिट बिठाया एक जगह, ठीक है, सिट भी सिखाना होता है। बट अगर कहीं घूम रहा है, आपका डॉग इस रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आपकी तरफ, ठीक है, तो क्या करेंगे आप कि ट्रीट उसको करेंगे बार बार, ठीक है, और ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। कम हियर गुड, हर बार जा जा के दूर ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसको कहीं दूर बुलाना है, ठीक है। हर बार आप ट्रीट करते रहेंगे डॉग को ना, जब भी बुलाएंगे कम हेयर उसको ट्रीट कर देंगे, ठीक है। और अगर दूर है कहीं पे, नो बैड हैबिट डोंट जंप, तो आप थोड़ा सा आपको इस तरीके से झुकना है, वो आपके पास तुरंत ही आ जाएगा। अभी मैं आपको बीच में दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दूसरी कमांड होती है सिखाने के लिए सिट। सिट सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रीट को दिखाना है, ठीक है। सिट पीछे की तरफ लेके जाना है, नाक की तरफ को, ठीक है। जब ऐसे लेके जाएंगे बैठ जाएगा, गुड बॉय बोल के ट्रीट कर देना है, ठीक है। एक बार और रिपीट करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। सिट गुड, ओके। सिट बोलते रहना है और ट्रीट को नाक के इस एंगल से सामने से ऊपर की तरफ को ऐसे ऊपर की तरफ लाके और ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ लाएंगे, जैसे ऐसे जंप करे भी कम दिस साइड ऐसे करके, नो सिट इस पोजीशन में जैसे बैठ जाए गुड बॉय ट्रीट कर देना है, ठीक है। तो कम हेयर सिखाना है, कभी भी दूर घूम रहा है तो आप बुलाएंगे उसको कम हेयर ऐसे करके थाइज पे टैप करके आपके पास आ जाए, गुड बॉय बोल के ट्रीट कर देना है, ठीक है। अब जैसे इसको बुलाना है बगीरा, बगीरा कम हेयर, जैसे पास आया गुड बॉय, फिर सिट, सिट है, नो बगीरा टेक इट सिट। आप इसके कुछ रिपीटेशन करेंगे, देखेंगे बहुत जल्दी सीख जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड होती है कि थोड़ा स्टे आ जाए उसको, ठीक है। कम और सिट सिखाने के बाद सिट के बाद स्टे सिखाइए, डाउन वगैरह रोल और भी कमांड्स हैं, बट आप क्या स्टे कमांड थोड़ा काम का है आपका, ठीक है, तो वो सिखा सकते हो। बगीरा कम हियर टेक इट सिट स्टे बोलेंगे स्टे और एक दो स्टेप पीछे लेंगे, नो सिट बगीरा, बगीरा सिट गुड स्टे, एक दो स्टेप पीछे लिए गुड बॉय, स्टार्टिंग में ऐसे बोल के ट्रीट कर दिया, फिर आप स्टे वेट थोड़ा दूर और जाएंगे, फिर पास आ जाएंगे उसके हिलने से पहले ही, वेट नहीं करेंगे और आपका डॉग स्टार्टिंग में क्या होगा तुरंत उठेगा, उठने नहीं देना है, नो स्टे बोलना है उसको, स्टे स्टे डोंट मूव स्टे सिट स्टे वेट स्टे वेट स्टे गुड बॉय शाबाश। इसको पता चलना चाहिए कि दूर जाते हैं और पास आ जाते हैं, तो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो इस तरीके से स्टे सीख जाएगा। सिट कभी भी झपटने पे ट्रीट नहीं करनी है, ठीक है, तो ट्रीट करने का तरीका भी है, नो नो ईट ईट बोल के देना है ट्रीट, ठीक है। तो आप ये कम सिट स्टे, ठीक है, देन एक और कमांड है इसके बाद, जैसे स्टे सिखा लेंगे उसके बाद आप डाउन की भी प्रैक्टिस करवाइए इसको,
ठीक है। डाउन कैसे सिखाना है, बहुत ईजी है मेथड। गेट अप, नो बगीरा, एक चीज़ नो का मतलब भी सिखाना है, जब भी कोई चीज़ करे नो, बैड हैबिट, कुछ भी उठाए नो, बैड हैबिट, नो बगीरा, नो बैड हैबिट, नो, ओके, कम हियर बगीरा, कम, गुड, नो, ड्रॉप इट, ड्रॉप इट, कम बैक, दूर अगर चला जाए, कम हियर बगीरा, कम, कम, इस तरीके से बुलाना है, कम हियर, नो बगीरा, कम, गुड बॉय, गुड, वेरी गुड, गिव, नो, नो, बैड हैबिट, कम हियर, उसके पीछे नहीं भागना है कभी भी, डॉग को बुलाना है, ड्रॉप इट, ड्रॉप दैट, आई सेड ड्रॉप, नो, कितना भी अगर आपको टीज करते हैं डॉग, आप भागने लगते हो, ये सबसे बड़ी कमी होती है, एक लाइफ भी आपके सामने, ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। बगीरा कम, कम फास्ट, गुड बॉय, जैसे पास आया कॉलर, अगर आप ड्रॉप इट, ड्रॉप, आई सेड ड्रॉप इट, ड्रॉप, ड्रॉप, ड्रॉप इट, डोंट डू दिस, ओके, डोंट ईट इट, सिट, बैड हैबिट, सिट, सिट, स्टे, नो, बैड हैबिट, डोंट ईट दिस, कम हियर, टेक इट, सिट, नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं डाउन कमांड पे, ट्रीट इसके पास लेके, नाक के पास लेके जानी है, डाउन, गुड, बोलते हुए ऐसे लेके आनी है, और जब डाउन हो जाए तो ट्रीट कर देना है, ठीक है, फिर से इसकी प्रैक्टिस करनी है, सिट, डाउन, नाक के पास से लाके बिल्कुल ऐसे लेके आनी है, गेट अप, अप, ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एक डाउन कमांड सिखाने का, आपने कम, सिट, डाउन और स्टे सिखा लिया। अब इस समय इनका प्लेइंग मोड होता है, इस समय हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि डॉग के पीछे भागते हैं कि शैतानी कर रहा है, थोड़ा सा करने दिया शैतानी, उसके बाद आप उसको बुला सकते हो। अब इसके बाद एक नेक्स्ट और कमांड आती है, जैसे कि ईट और वेट का मतलब समझाना बहुत ज़रूरी है डॉग को, ठीक है। नो तो आप बोलते रहेंगे किसी भी चीज़ को, नो बैड हैबिट, हल्का स्लैप कर दिया, पनिश कर दिया, तो धीरे धीरे क्या है, बहुत तेज़ नहीं मारना है, बस नो बैड हैबिट, इस तरीके से मना करते रहेंगे तो नो का मतलब भी सीख जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका कि ईट और वेट, खाने के टाइम जो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है ना, छीन के खाते हैं, झपट के ऊपर चढ़ते हैं, और ऊपर दिखाया, जंप किया इसने और छीन के खा लिया, तो वो बैड मैनर्स लगते हैं डॉग में, तो उसको भी सिखाने के लिए आप क्या करेंगे, सिट डाउन वगैरह सिखाने के बाद आप इसको ईट और वेट वाले कमांड पे चले जाएंगे, ठीक है। ये ट्रीट है, इसको रखना है आगे, नो, पहली बार में ये स्टार्टिंग में खाएगा, नो, रोकना है इसको ऐसे, ठीक है, नो वेट, ठीक है, वेट बोलना है, और बोलना है ईट, ईट बोल के इसको दे देना है खाने को, ठीक है, ऐसे 4-5 रिपीटेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा इसको, नो वेट, ईट इट, जब ईट बोलेंगे तो खा लेगा, वेट करेंगे, वेट बोलेंगे तो थोड़ी देर वेट करेगा, वेट, स्टे, धीरे धीरे आपको एक चीज़ और करनी है, डिस्टेंस बढ़ाते जानी है, वेट, स्टे, ईट, गुड, तो इस तरीके से आपका डॉग ईट और वेट भी सीख जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर इस तरीके की और वीडियोज़ अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, और इतने व्यूज़ भी थोड़े से कम ही आते हैं, अगर 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं आपके, मगर फिर भी उस हिसाब से व्यूज़ भी नहीं आते, तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, और वहाँ हम लोग कई तरीके की वीडियोज़ भी डालते रहते हैं, और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो। इससे अलग अगर आप हमारे पर्सनल कोर्स चाहते हो तो उसके लिए हम लोग डिटेल्स के लिए नंबर दे देते हैं, वहाँ व्हाट्सएप करेंगे तो पूरी डिटेल्स मिल जाएगी आपको, और अगर आप चाहते हो अच्छी अच्छी वीडियोस तो प्लीज़ चैनल को फिर से बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।